आएंगे तो ये नमाज नहीं होगी। ये भाई ने फरमाया कि लौंडियों कनीज आज के दौर में हैं या नहीं। देखिए असल मसला ये था कि जब मुसलमान कुफार पे हमला करते थे और वहां से जो लोग कैदी बनते थे, अगर मर्द होते थे तो वो गुलाम कहलाते थे, औरतें होती थी तो उनको कनीज कहा जाता था। तो चूंकि इस्लाम से पहले भी तरीक़ाकार जारी था, जब इस्लाम के इब्तदाई दौर थे उसमें भी, यानी जब फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये चीज़ें जारी और सारी रहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमाना थी और फिर अल्लाह का हुक्म भी था कि आज़ादी के बारे में फजीलत बयान की जाए, कि इनको आज़ाद किया जाए। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुलाम को आज़ाद करेगा, जितना हिस्सा आज़ाद करेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाएगा, पूरा आज़ाद करेगा अल्लाह ताला पूरा उसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तो फिर आज से ये चीज़ें खत्म होना शुरू हुई और आज के दौर में आपको कहीं कोई लौंडी कनीज नजर नहीं आती और ना दोबारा लौंडी कनीज बनाने की इजाजत होगी।